मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं अकाउंट्स में जर्नल। ऑलरेडी हमने इसके रूल सीख लिए हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट, और 3 सम भी हम कर चुके हैं। आई होप आपने भी उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आज हमारा जर्नल में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसका नेम है डिस्काउंट। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज जो हम इलस्ट्रेशंस करेंगे, उनकी ट्रांजेक्शन्स में डिस्काउंट के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, तो प्लीज़ आपने इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। डिस्काउंट मेनली 2 टाइप का होता है। नंबर 1, ट्रेड डिस्काउंट। नंबर 2, कैश डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, 2 टाइप का डिस्काउंट होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब रिटेलर किसी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी में, बल्क का मतलब लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है, तो जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है, वो उसको लिस्ट प्राइस के ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट यानी कि ऑफ यानी कि कंसेशन देता है। लिस्ट प्राइस के ऊपर मिलता है ये, जब कोई रिटेलर होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करे। ऐसा होता ही रहता है, हम भी अपने सप्लायर से लार्ज क्वांटिटी में माल खरीदते हैं तो ये ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम भी आगे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अपने कस्टमर्स को लार्ज क्वांटिटी में गुड्स सोल्ड करते हैं, तो हमें उनको ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी ये ट्रांजेक्शन्स में यूज भी होगा। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। ठीक है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट, जो कि परसेंटेज के फॉर्म में गिवन होगा, माइनस करेंगे तो इनवॉइस प्राइस आएगा। इनवॉइस प्राइस का मतलब जिस पर हमारा बिल बनेगा। ठीक है, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो सप्लायर हमें इस पर बिल बना कर देंगे, ऐसे ही अगर हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो हम अपने कस्टमर का बिल इसी इनवॉइस प्राइस पर बना कर देंगे, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्ट या एडजस्ट हो गया हो। तो ट्रेड डिस्काउंट अंदर ही अंदर डिडक्ट होता है। ये तब भी हमें मिलेगा जब हम सप्लायर से बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में, और अगर उधार खरीद रहे हैं तब भी मिलेगा, यानी ये ऑन परचेज होता है, पेमेंट पर नहीं, जबकि ये पेमेंट पर होता है। ठीक है, तो ये ऑन परचेज होता है, अंदर ही अंदर डिडक्ट होगा। आपको ये फॉर्मूला बार बार यूज करना है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस पर ही जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड होती है, आपका ये मेन है बच्चों। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट किसी भी हेड में रिकॉर्ड नहीं होता, नॉट रिकॉर्डेड। पूरे अकाउंट्स में बच्चों जब भी कहीं आपको वर्ड डिस्काउंट डेबिट होता नजर आ जाए या कहीं पर डिस्काउंट क्रेडिट होता नजर आ जाए, तो डिस्काउंट नाम का ये जो अकाउंट या हमने हेड बनाया है, ये कैश डिस्काउंट के लिए बनाया। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का हेड नहीं होता, ये डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ये अंदर ही अंदर ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता बट एडजस्ट किया जाता। ऐसे ही अब है कैश डिस्काउंट, जैसा कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि कैश के देने या लेने से ये अराइज होता है। जब हम किसी को प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, प्रॉम्प्ट का मतलब जल्दी से, अगर हमने अपने सप्लायर या क्रेडिटर से माल खरीदा और हम उनको जल्दी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, आज ही पेमेंट कर दी या 1-2 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, तो हर कोई कैश को प्रेफर करता है, तो जल्दी पेमेंट करने के लिए वो हमें और थोड़ा सा डिस्काउंट अलाउ कर देंगे, 10%, 15%, कुछ भी हो सकता है ये। तो कैश डिस्काउंट कैश के देने पर हमको मिला। ठीक है, तो जब हम किसी को कैश पे करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ठीक है, कैश पे करेंगे तो डिस्काउंट पे नहीं करेंगे, किसी को कैश पे करेंगे तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। फॉर एग्जांपल, हमने किसी को 4100 देने थे अपने सप्लायर को, और उन्होंने कहा चलो 4000 ही दे दो। ठीक है, वो मान गए हैं, 4000 में सेटलमेंट हो गई, तो हमने उनको 4000 रुपीज कैश पे किया और 100 रुपीज हमें नहीं देना पड़ा, जो कि हमारी इनकम हो गई, वो उतना हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। बच्चों, कैश है या डिस्काउंट है, इस पर रूल्स आपको पहले से ही क्लियर है। कैश के देने या लेने पर रियल अकाउंट का रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
और डिस्काउंट पर हमारा नॉमिनल का रूल लगता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो ये हमारी इनकम है। ऐसे ही जब हमें कैश रिसीव होगा तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, ठीक है। कैश पे करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और कैश रिसीव करोगे तो डिस्काउंट अलाउ करो। सपोज किसी कस्टमर ने हमारे 9300 रुपीज देने, हमने उनको कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और आप अभी हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट जल्दी से पेमेंट करके जा रहे हैं, तो चलिए 9000 ही दे दीजिए, ठीक है। तो हमने 9000 रुपीज लिए और 300 रुपए का अपना लॉस किया, ठीक है। तो लॉसेस नॉमिनल के रूल से क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो सीधी सी बात है, कैश पर रियल का रूल एप्लीकेबल होगा और डिस्काउंट पर नॉमिनल का रूल एप्लीकेबल होगा। और क्योंकि डिस्काउंट नाम का हेड जब हम कैश में डील करते हैं तो ये अराइज होता है, इसलिए इसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग कह लो होती है, ठीक है। जहां पर भी वर्ड डिस्काउंट डेबिट या क्रेडिट होता हुआ नजर आए तो ये कैश डिस्काउंट होता है। तो आपको इन दोनों को अच्छे से थ्योरी में भी बच्चों इसका डिफरेंस है, इसको लर्न करना है। अब हमने जो सीखा इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। आप जब भी पढ़े प्लीज आपकी बुक साथ में ओपन हो। आपका बुक में जर्नल में इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, मैं पेज नंबर भी यहाँ पर लिख रही हूँ, 9.14 पेज पर ये पेज नंबर है और इलस्ट्रेशन बच्चों हम कर रहे हैं 4, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 मैंने आपको जर्नल का फॉर्मेट समझाया हुआ है, ठीक है। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है तो मैं इसका पार्टीशन कर लेती हूँ। आपको मालूम है जर्नल में हमें 5 कॉलम बनाने होते हैं, डेट, अगर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर, बड़ा कॉलम पर्टिकुलर्स का जिसमें हमारी मेन एंट्री आएगी विद नरेशन, ये लेजर फॉलियो जिसको अभी आपने बैंक छोड़ना है, ठीक है, और 2 अमाउंट, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। और ये सारे हेड्स हम यहाँ पर लिख देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, लेजर का पेज नंबर, डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट के अमाउंट रुपीज में, अगर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर डालेंगे। फिलहाल हमारी इस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 4, देखिए मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ एक एक ट्रांजेक्शन। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। तो प्रोप्राइटर का नाम नरेश एंड कंपनी है, आप चाहें तो यहाँ पर जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि नरेश जो प्रोप्राइटर है वो अलग है, उसके बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी है। हम यहाँ पर नरेश एंड कंपनी के बिजनेस की बुक्स में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अपने आप को बिजनेस मानना है। बिजनेस में क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट किसको करना है, रियल पर्सनल नॉमिनल, इन तीनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले आपको 2018, ठीक है, पहले ईयर लिखा जाता है, मैंने आपको समझाया हुआ है। देन मंथ लिखते हैं, जून है और जून 1st की ट्रांजेक्शन है, इलस्ट्रेशन 4th। पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। हमने महेश को कैश पे किया है और उससे डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, तो महेश को कैश पे कर रहे हैं। महेश एक पर्सन है, ठीक है, नेचुरल पर्सन, महेश पर पर्सनल का रूल एप्लीकेबल होगा। जितने भी बच्चों नेम्स होते हैं उनके साथ अकाउंट लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली महेश डेबिट लिखेंगे। उसको हमने कैश पे किया टू कैश अकाउंट, ठीक है, और जब कैश पे किया तो थोड़ा सा हमें डिस्काउंट भी रिसीव्ड हुआ, ठीक है। तो कैश और डिस्काउंट हमेशा जब भी किसी एंट्री में आएंगे तो या तो दोनों एक साथ डेबिट हो रहे होंगे या दोनों एक साथ क्रेडिट हो रहे होंगे। ऐसी कोई एंट्री बनी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि कैश डेबिट हो और डिस्काउंट क्रेडिट, ठीक है। ऐसे ही कैश क्रेडिट हो और डिस्काउंट डेबिट, रिवर्स नहीं हो सकते। डिस्काउंट हमेशा कह लो कैश के पीछे चलेगा, इसके पीछे लॉजिक है, अभी आपको बताया। क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ आपसे कोई पूछे कि कौन सा रूल लग रहा है, आपने महेश को कैश दिया तो कैश आपके पास से गया, जाने वाली चीज पर रियल अकाउंट का रूल लगता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपका कैश कितना चला गया, 9600, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में अमाउंट लिखा, ठीक है। अब जब हमने उसको 9600 दिए तो उसने 400 रुपीज का हमें ऑफ कंसेशन या डिस्काउंट दे दिया, कैश दिया था इसलिए हमें ये डिस्काउंट मिला,
तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या है, इनकम है। इनकम नॉमिनल के रूल से क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट किया, रियल के रूल से डिस्काउंट हमारी इनकम हो रही है, नॉमिनल के रूल से क्रेडिट हो गई 400। और महेश को एक्चुअली इन दोनों का टोटल मिला के हमने 10,000 पे करना था, पर वो 9600 में ही मान गया। ठीक है, और 400 रुपए हमारे बिजनेस में हमें इनकम हो गई है। तो महेश को कोई पूछे डेबिट ही क्यों किया, आप कहेंगे पर्सनल के रूल से, क्योंकि महेश एक पर्सन है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से महेश को पैसा मिल रहा है, वो कैश रिसीव कर रहा है, तो पर्सनल के रूल से महेश इज डेबिट द रिसीवर। तो ये बहुत अच्छी एंट्री है बच्चों, क्योंकि इसमें हमें तीनों ही रूल एक साथ देखने को मिल गए हैं। ठीक है, पर्सनल का भी आ गया डेबिट द रिसीवर, रियल का भी आ गया क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और नॉमिनल का भी आ गया डिस्काउंट वाला क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये हमारा प्रॉफिट है। दूसरी चीज एक और सुनिए बच्चों ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि हर एंट्री में मिनिमम एक हेड डेबिट और एक हेड क्रेडिट तो चाहिए ही चाहिए। हमारा सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है, ये मिनिमम है। ठीक है, लेकिन किसी एंट्री में एक से ज्यादा हेड भी डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं। जब एक ही डेबिट और एक ही क्रेडिट हो तो वो एक सिंपल या सिंगल एंट्री होती है, आपने अभी तक जितने सम किए उसमें आई, पर यहाँ पर देखिए तीन हेड नजर आ रही है, तो ऐसी एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं, जिसमें मोर देन वन हेड डेबिट या मोर देन वन हेड क्रेडिट हो, एक ही डेट को हो। ठीक है, उनकी नेचर सेम हो, तो हम बजाय इसके अलग अलग एंट्रीज पास करें, हम उसको कंपाउंड कंबाइंड कर देंगे, तो दिस इज अवर कंपाउंड एंट्री। अब यहां पर इसकी हम नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। महेश को 9600 पे किया और 400 हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। पास्ट टेंस में लिखनी है, ब्रीफ में लिखनी है, जिससे इसका मीनिंग अंडरस्टैंड हो जाए उनको भी, जिनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है। और अमाउंट यहाँ लिखने की नीड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम दो दो बार लिख रहे हैं, जो अमाउंट डेबिट में है वही क्रेडिट में आएगा, तभी हमारा लास्ट में जाके ग्रैंड टोटल जो है मैच होगा। नेक्स्ट एंट्री जून 4th को है बच्चों, यहाँ पर आएंगे हम जून 4th। ट्रांजेक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100। अब हमें कैश मिल रहा है किससे, अरुण से, तो कैश को हम करेंगे डेबिट, बिकॉज कैश बिजनेस में आ रहा है रियल अकाउंट के रूल से। मैं यहाँ लिख देती हूँ रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वॉट कम से। ठीक है, अरुण से हमें कैश मिल रहा है एट प्रेजेंट 4900, और जब हमें कैश रिसीव हुआ तो हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया 100 रुपीज, हमने ऑफ उसको दे दिया, तो ये हमने अपना लॉस खुद किया। लॉसेस नॉमिनल के रूल से क्या होती है, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो बच्चों आप यहाँ पर, इधर डिस्काउंट रिसीव भी लिख सकते हो, या ये रिसीव्ड और अलाउड वर्ड नहीं भी लिखे, ओनली वर्ड टू डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिख दिया तो भी ओके है। ठीक है, रिसीव वाला हमेशा क्रेडिट होता है, अलाउड वाला हमेशा डेबिट होता है। और टू गिवर है हमारा अर्न। ठीक है, कैश रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट हमारा नॉमिनल के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट देते ही रहते हैं हम, बार बार अराइज होने वाला हमारा खर्चा है। ठीक है, और अरुण क्रेडिट द गिवर हो गया पर्सनल के रूल से, वो हमको पैसे दे रहा है। कितने एक्चुअली उसको 5000 देने थे, पर हम 4900 में ही मान गए, पर हिसाब किताब या सेटलमेंट हम कहेंगे अरुण से 5000 की हो गई है। अरुण ने हमारे पैसे जब देने थे तो उसका हमारी बुक्स में कहीं पहले डेबिट बैलेंस होगा, वो हमारा डेबिट द डेटर था। आज अरुण ने पैसे दे दिए हैं तो हम कहेंगे अरुण हमारा डेबिट द डेटर नहीं रह गया, डेटर का बैलेंस कैंसल किया गया। यहाँ पर कोई भी बैलेंस कैंसल करना है तो रिवर्स करें। ठीक है, डेबिट से इसको क्रेडिट कर दिया गया, और यू कैन से कि अरुण पर्सन है, पर्सनल का रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर। नरेशन हम लिख देंगे अमाउंट रिसीव, इससे बिल्कुल रिवर्स है ये, एंड डिस्काउंट अलाउ। नेक्स्ट जून 10th, बहुत इजी है बच्चे, देखिए गुड सोल्ड टू हरीश
30,000 हरीश को गुड्स सोल्ड किया, अब ये नहीं बताया हुआ कि ये कैश में सोल्ड किया या नहीं, तो जब तक कैश वर्ड क्लियरली नहीं गिवन हो आपने कैश ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं मानना, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आपको पार्टी का पर्सन का नेम गिवन है, यहाँ पर हरीश को गुड्स सोल्ड किया तो हम हरीश को अपना डेबिट द डेटर बना लेंगे क्योंकि हमने इससे पैसे लेने हैं, बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हमने इसको उधार माल बेचा। और किसी को भी गुड सेल करेंगे तो टू सेल्स अकाउंट, आपको गुड से रिलेटेड 5 हेड बताए हुए हैं, फिर भी एक बार सुन लीजिए। परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। तो सेल्स कैसी भी हो, चाहे कैश हो या क्रेडिट, हमेशा सेल्स क्रेडिट रहेगी, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, यानी कि कैश में माल बेचा हो तो भी और उधार माल बेचा हो तो भी सेल्स हमेशा क्रेडिट रहेगी, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आप यहाँ पर नरेशन लिख देंगे गुड सोल्ड टू हरीश ऑन क्रेडिट, ठीक है। 3 एंट्रीज हो गई है, बाकी की हम यहाँ पर कर लेते हैं। फिर से मैं यहाँ कॉलम बना रही हूँ, आप इसको रजिस्टर का दूसरा ही पेज समझिए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो और अमाउंट। जून 10 तक हम कर चुके हैं, नेक्स्ट बच्चे जून 12th, यहाँ पर हम आएंगे जून 12th। जून 12th को क्या हुआ, हरीश रिटर्न गुड्स, अभी अभी है यहाँ पर हमने अपने हरीश नाम के कस्टमर को 30,000 का गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया था, ठीक है। कस्टमर कभी भी माल लौटा भी सकता है, सारा भी या पार्टली भी, उसको पसंद नहीं आया होगा, हम भी अपने सप्लायर को लौटा सकते हैं और कस्टमर भी हमको माल लौटा सकता है। तो हरीश ने हमें 2,000 का गुड्स इसमें से रिटर्न कर दिया, तो जब हमारा ही बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आएगा तो हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसकी रिटर्न का ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहेगा, और हमें हरीश का बैलेंस कम करना पड़ेगा क्योंकि हरीश हमारा 2,000 से डेबिट द डेटर नहीं रह गया, ठीक है। हरीश हमारा 2,000 से डेबिट द डेटर नहीं रह गया, फिर से समझिए, हरीश को हमने 30,000 का गुड सोल्ड किया था उधार, तो डेटर बनाया 30,000 से, जब 2,000 का उसने माल ही लौटा दिया तो इतने से वो हमारा डेटर नहीं रह गया, जो माल गुड्स वो रिटर्न कर देता है उसके पैसे हम हरीश से क्यों ले। तो अब कोई पूछे हरीश आपका बुक्स में कितने से डेबिट द डेटर है, तो देखिए अंदर ही अंदर नजर आ रहा है 30,000 डेबिट और 2,000 से वापस रिवर्स क्रेडिट हो गया यानी माइनस हो गया, तो नेट हम कहेंगे हरीश हमारा 28,000 से डेटर है, ठीक है। मैं आपको रफ में समझाने के लिए लिख रही हूँ कि हरीश हमारा 28,000 से डेटर, हम हरीश से नेट पेमेंट जो है 28,000 के बराबर लेंगे। इसकी हम नरेशन लिख देंगे गुड्स रिटर्न बाय हरीश। नेक्स्ट जून 14th, अब जो ये सारी एंट्रीज कनेक्टेड है, जब हमने हरीश को गुड्स सोल्ड किया फिर उसने 2,000 का रिटर्न किया और अब आज हरीश हमारा 28,000 से डेटर था और दो दिन बाद 14 को ही वो पैसे देने के लिए आ गया। लिखा हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम हरीश ₹27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा इन फुल सेटलमेंट वर्ड, जहां पर लिखा हो तो वहां डिस्काउंट छुपा हो सकता है, हिडन हो सकता है, आपको खुद ट्रांजेक्शन को पढ़ के आइडेंटिफाई करना है। तो हरीश हमें कैश देने के लिए आ गया और साफ साफ लिखा है, क्लियरली मेंशन इन द ट्रांजेक्शन कि हरीश ने हमें कितने पैसे दिए हैं 27,500 और हिसाब किताब खत्म हो रहा है, सेटलमेंट हो रही है हरीश से 28,000 की, तो हरीश हमारा बुक्स में बिल्कुल भी डेबिट द डेटर नहीं रह गया, कितने से जो भी उसका बैलेंस था 28,000 से, ठीक है। देने थे हरीश ने हमारे 28,000 और आज देने के लिए आया है वो 27,500 और हम कह रहे हैं पूरा हिसाब हो गया, फुल सेटलमेंट हो गई, कुछ भी देना लेना बाकी नहीं है हमारे बीच में, ठीक है। तो 500 का यहाँ पर डिस्काउंट हिडन था बच्चों, छुपा हुआ था, बिकॉज डेबिट क्रेडिट आपको टैली करनी है। तो 500 आपने डिस्काउंट यहाँ पर हरीश को अलाउ किया है, अलाउ किया है तो ये हमारा नॉमिनल के रूल से एक्सपेंसेस या लॉस बनेगा, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि हरीश का बैलेंस खत्म हो गया है,
जितने से वो डेबिट डेटर था 30,000 उतने से ही देखिए क्रेडिट है 2,000 से तो माल लौटा दिया 28,000 रिमेनिंग गुड्स की उसने पेमेंट कर दी। तो अब हरीश कस्टमर के साथ हमारी डीलिंग खत्म हो गई, मतलब नो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट जून 20th, इसकी बच्चों नरेशन आप लिखी लेंगे, कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। जून 20th सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस। अभी जो बच्चा हमने यहाँ पर डिस्काउंट वर्ड डेबिट क्रेडिट जहाँ पर भी हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी डिस्काउंट आया था, यहाँ पर भी, यहाँ सब के साथ कैश था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये कैश के पीछे ही चलता है, या तो किसी भी एंट्री में दोनों डेबिट हो रहे होंगे या फिर किसी भी एंट्री में दोनों ये क्रेडिट हो रहे होंगे। डिस्काउंट हमेशा कैश के पीछे चलेगा, इसके पीछे लॉजिक भी बताया आपको। अब इस वाली ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट है जिसका आपको फॉर्मूला बताया, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। गुड सोल्ड किया है हमने गोपाल को ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000, 60,000 के आगे लिस्ट प्राइस भी लिखा हुआ है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। कई बार लिस्ट प्राइस ना भी लिखा हो तो अगर साथ में ट्रेड डिस्काउंट वर्ड लिख दें तो जो अमाउंट है वो लिस्ट प्राइस ही होता है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट अंदर ही अंदर डिडक्ट करना होगा। हमने गोपाल को गुड सोल्ड किया, देखिए एंट्री, गोपाल को क्रेडिट में गुड सोल्ड किया बिकॉज कैश वर्ड इज नॉट मेंशन्ड हियर, तो हम भूल ना जाएं कि किस किस को माल बेचा, इसलिए हम यहाँ पर अपना पर्सन को कस्टमर को डेटर बना लेंगे, गोपाल से हमने पैसे लेने हैं। अब गुड सोल्ड किया, सेल्स तो क्रेडिट होके ही रहेगी, सेल्स का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। अब बच्चे ध्यान से देखिए, 60,000 जो है वो हमारा लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस पर कभी भी जर्नल में एंट्री नहीं करनी, लिस्ट प्राइस में से अंदर ही अंदर क्या माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। 60,000 अगर किसी ने यहाँ लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, इसके साथ अटैच था टीडी ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 60,000 का 10% निकालेंगे बच्चों 6,000 आएगा, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट क्या निकलता है, इनवॉइस प्राइस निकलता है, और जर्नल में एंट्री इनवॉइस प्राइस पर होती है। हम जो गोपाल का बिल इनवॉइस बनाएंगे वो 60 में से 6,000 माइनस करके 54,000 पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी वर्किंग है, इसको नरेशन वाली जगह पर ही आप प्लीज क्लियर करेंगे कि ये अमाउंट 54,000 डेबिट में और क्रेडिट में जो आया है कैसे आया, ठीक है। 60,000 लिस्ट प्राइस लिखना नहीं है, 6,000 भी नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को किसी हेड में रिकॉर्ड नहीं करते, बट इसका ट्रीटमेंट अंदर अंदर होगा, ये लिस्ट प्राइस में से जरूर डिडक्ट होगा। अब जो नेट करके डिफरेंस आया है दैट इज अवर इनवॉइस प्राइस, ठीक है, इस पर जर्नल में एंट्री पास करनी है। लास्ट 23rd मैं यहां कर रही हूं बच्चों, गुड्स हमने परचेज किया है यहाँ पे रवि से, लिस्ट प्राइस गिवन है और 15% ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है, तो सेम ऐसा ही, बस यहाँ हम सेल कर रहे थे, अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। देखिए जून 23rd को हम गुड्स परचेज कर रहे हैं क्योंकि हमने रवि से बल्क में लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज किया, इसीलिए वो हमें लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। परचेज करेंगे तो परचेजेस डेबिट होगी होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट आप लिख लेंगे, और टू रवि, ठीक है, परचेजेस डेबिट होती है, एक्सपेंस है, नॉमिनल के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और रवि को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज रवि हमारा क्रेडिट द क्रेडिटर है, हमने इसको कभी ना कभी पैसे देने हैं जो हमने इससे उधार माल खरीदा हुआ है। तो आपने यहाँ पर अमाउंट क्या लिखना है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस, ये जो आएगा ये जर्नल में डेबिट और क्रेडिट हेड में रिकॉर्ड होगा। लिस्ट प्राइस था बच्चों 20,000, 20,000 का 15% इस पर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 3,000, 20 में से 3 माइनस करके हम कहेंगे कि हमने रवि से 17,000 का गुड्स परचेज किया है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट देखा आपने कि अंदर ही अंदर डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सम करते हैं हम इलस्ट्रेशन 5। जर्नल के चैप्टर में ये डिस्काउंट वाली ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ समझ के करना है आपने भी इसको। इलस्ट्रेशन 5 पर आते हैं। कैश में गुड्स परचेज किया है 2019, जर्नल है प्रताप राय एंड कंपनी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बच्चों पूरा फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, आप प्लीज इसको अंडरस्टैंड कर लेना। 2019 अप्रैल 2 डेट लिख देते हैं।
गुड्स परचेज किया है, परचेजेस, परचेज भी नहीं होता, परचेज्ड भी नहीं होता, अप्रोप्रिएट टर्म इज परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ डेबिट क्रेडिट का अमाउंट लिख लेंगे और बाकी एंट्री हम वहां कर लेंगे। गुड्स परचेज किया, कैश वर्ड इज मेंशन हियर, तो कैश इमीडिएटली हमारा यहाँ पर चला गया है 48,000। इलस्ट्रेशन की एक एक ट्रांजेक्शन को पहले प्रैक्टिस करनी है आपने, देन एक्सरसाइज के सम करनी है। नरेशन आप लिख लेंगे, बहुत ईजी है, गुड्स परचेज फॉर कैश। उसके बाद है April 3rd, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, वासुदेव को माल बेचा है, तो वासुदेव हमारा डेबिट द डेटर कहलाएगा। ये कैश ट्रांजेक्शन थी, बट ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। परचेजेस डेबिट होती है नॉमिनल के रूल से और सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। हर एक के साथ आपको अकाउंट वर्ड लिखना है एक्सेप्ट जितने भी नेम्स हैं। तो ये 10,000 जितना अमाउंट डेबिट में उतना ही क्रेडिट में आएगा। उसके बाद April 6th, रिटर्न गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव। ये जो हमने 10,000 का गुड्स वासुदेव को सोल्ड किया है, इसमें से 1,000 का गुड्स वो हमें रिटर्न कर रहा है, तो सेल्स का रिवर्स क्या होता है, सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो कौन रिटर्न कर रहा है या गिवर कौन है, वासुदेव। आप ये भी कह सकते हो कि पर्सनल के रूल से वासुदेव इज क्रेडिट द गिवर, और ये भी कह सकते हो कि वासुदेव डेटर था 10,000 से, जब माल ही लौटा दिया तो फिर डेटर किस बात का, ठीक है। जो वो गुड्स रिटर्न कर देगा उससे उसका बैलेंस हमें कैंसिल या रिवर्स करना होगा। तो अब कोई पूछे वासुदेव से आप कितने पैसे लेंगे, तो 10-1 नजर आ रहा है, 9,000 लेंगे। वासुदेव हमारा 9,000 से स्टिल डेबिट द डेटर है। तो इसके बारे में देखिए, अगला पॉइंट आ ही गया, April 8th, इसके और दो दिन बाद वासुदेव हमें पेमेंट करने के लिए आ गया। हमने उससे कैश रिसीव किया है 8,800 और डिस्काउंट अलाउ किया है 200। तो वासुदेव हमारा डेटर था 10-1 9,000 से, ठीक है, डेटर था वासुदेव। आज वासुदेव कैश देने के लिए आ गया, जितना भी कैश दे रहा है उसको कैश के सामने लिखेंगे 8,800। 200 रुपीज हमने उससे लिए ही नहीं, तो लॉस कर लिया। नॉमिनल के रूल से लॉसेस डेबिट होते हैं 200, और वासुदेव गिवर कहलाएगा या डेबिट द डेटर नहीं रह गया 9,000 से। तो वासुदेव 10,000 से डेटर था और 1 से यहाँ, 9 से यहाँ, 10,000 से ही क्रेडिट हो गया, तो खत्म बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट है April 9th, ये बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन की वर्डिंग्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। April 9th, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, चंद्रकांत ने गुड्स सोल्ड किया। कई बार हम ध्यान नहीं देते, सोल्ड वर्ड लिखा है और हम सेल की एंट्री कर देते हैं, ठीक है, जो कि रॉन्ग हो जाता है। चंद्रकांत गुड्स सोल्ड कर रहा है, आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। हम कौन है, बिजनेस है, हमें हर ट्रांजेक्शन को अपने यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। चंद्रकांत गुड्स सोल्ड कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, तो आपको परचेज की एंट्री पास करनी है। परचेजेस ऑलवेज डेबिट होती है, सेल लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। परचेजेस डेबिट टू चंद्रकांत, बिकॉज चंद्रकांत से हमने उधार माल खरीदा है, कैश वर्ड इज नॉट मेंशन हियर, ठीक है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर का, सप्लायर का नेम आएगा 20,000, ये दोनों साइड पर हम लिख देंगे। उसके बाद अप्रैल 9 के बाद है April 10th, ये भी ऐसी है बच्चों, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, इसमें भी हमने परचेज की एंट्री कर दी तो रॉन्ग हो जाएगा। प्रीतम हमसे परचेज कर रहा है, पर हम, हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो हम यहाँ सेल की एंट्री पास करेंगे और प्रीतम को डेबिट द डेटर बना लेंगे, प्रीतम डेबिट टू सेल्स, क्योंकि प्रीतम हमारा कस्टमर है। क्रेडिट में हमने गुड्स सोल्ड किया तो हमने उससे ये पैसे लेने हैं। तो 10 तक बच्चों यहाँ हो गई, बाकी मैं यहाँ पर कर रही हूँ April 12th, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बच्चों ध्यान दीजिए, हम बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स जैसे मशीनरी, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ठीक है, इन सब का इंश्योरेंस कराते हैं, तो ये जनरल इंश्योरेंस में आता है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमें हर साल पे करना होता है, इट इज़ अवर एक्सपेंस। जैसे हम टेलीफोन का खर्चा देते हैं, जैसे हम सैलरी का खर्चा देते हैं, लगा लीजिए, ऐसे ही हम इंश्योरेंस प्रीमियम, सिर्फ वर्ड आए इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है, डेबिट होगा। लेकिन जहां पर वर्ड आ जाए लाइफ, ठीक है, लाइफ वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्ड है लाइफ, और लाइफ हम जैसे तुम जैसे किसी पर्सन की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑनर है बिजनेस का, प्रताप राय, उसकी अपनी लाइफ,
का इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि उसका पर्सनल खर्चा था और बिजनेस के पैसों से पे किया गया है। ठीक है, इस एंट्री को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंस आ गया। अगर सिर्फ वर्ड होता इंश्योरेंस प्रीमियम तो आप लिखते इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश, ठीक है। लेकिन जहाँ पर वर्ड लाइफ साथ में आ जाए तो ये ऑनर का पर्सनल खर्चा है जो कि बिजनेस के पैसों से भरा जा रहा है। ठीक है, आपने दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस माननी है तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कभी नहीं लिखना, उसके लिए लिखना होता है ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए पैसे बिजनेस के जा रहे हैं। अगर बच्चों कैश दिया होता तो टू कैश लिखना है, यहाँ पर चेक आ गया। वैसे तो अगला टॉपिक अगली क्लास में हमने सीखना था, उसमें बैंक से रिलेटेड ही सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको बैंक से रिलेटेड समझाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आ गया है, चेक से दिया गया है तो चेक नाम का भी कभी कोई हेड नहीं होता। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब भी आप किसी को चेक देंगे तो आपका बैंक का बैलेंस रिड्यूस होगा। ठीक है, कैश देंगे तो टू कैश और चेक देंगे तो टू बैंक, टू चेक नहीं लिखना। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है प्रताप राय का 2000, तो ये पर्सनल एक्सपेंस था, इसको अपने घर के पैसों से भरना चाहिए था पर बिजनेस का पैसा जा रहा है जो कि ऑनर से हम कभी ना कभी वसूल कर लेंगे, ये उसकी कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसलिए ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट है अप्रैल 15, पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अप्रैल 15 देखिए, चंद्रकांत को हमने कैश पे किए तो चंद्रकांत डेबिट द रिसीवर है, कैश हमारे पास से गया, रियल के रूल से क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और डिस्काउंट वो हमें अलाउ कर रहा है पर हम क्या कर रहे हैं, हम तो डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, कैश अगर पे करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ नहीं होता, डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर 13780 का हमने कैश पे किया चंद्रकांत को और 220 हमें उससे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो 14,000 एक्चुअल में हमने चंद्रकांत को देने थे। ठीक है, चंद्रकांत हमारा क्रेडिटर रहा होगा 14,000 से, पर आज वो कम में ही मान गया जो कि हमारी इनकम है, नॉमिनल के रूल से डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा। उसके बाद बच्चों पेड टू पवन, बहुत इजी है ये, आप कर लोगे। पवन डेबिट टू कैश, रिसीव कैश फ्रॉम प्रीतम, ये भी बहुत इजी है, कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। नेक्स्ट अप्रैल 30 की मैं समझा देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस डेबिट हुए हैं, ठीक है, और इनकी डेट भी सेम है, तो हम बजाय इस तीन खर्चों की तीन एंट्री बनाए, क्यों ना कंपाउंड कर दें इसको हम, तो हम इसकी कंपाउंड एंट्री बना रहे हैं यहाँ पर, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस जो हम लेबर को मजदूरी वगैरह पे करते हैं 2000 है। ऐसे ही हमने एडवर्टीजमेंट के खर्चे दिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी नॉर्मल रेकरिंग नेचर का खर्चा है, बार बार अराइज होता ही रहता है, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए जरूरी है। और सैलरी पे की है हमने स्टाफ को 9000, तो सारे एक्सपेंसेस हम डेबिट 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 करेंगे बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल के रूल से क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और इन तीनों खर्चों का जब आप टोटल करेंगे तो वो क्रेडिट में लिखा जाएगा 13,500 टू कैश हमारा चला गया। ठीक है, तो बजाय इसके हम तीन एंट्री बनाए, वेजेस डेबिट टू कैश, फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, सैलरी डेबिट टू कैश, हमने इन सबको कंपाउंड करके लिखना है। उसके बाद दो बहुत इजी है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ और कमीशन रिसीव हुआ, इसमें भी नेचर सेम है, बोथ आर अवर इनकम और दोनों की डेट सेम है अप्रैल 30, तो हम अप्रैल 30 को लिखेंगे, एक इंटरेस्ट मिल रहा है और एक कमीशन मिल रहा है, और रिसीव के लिए कैश डेबिट होगा, कैश डेबिट टू इंटरेस्ट और टू कमीशन, बोथ आर अवर इनकम, इनकम नॉमिनल के रूल से क्रेडिट होती है, 500 ये और 2000 हमें कमीशन मिला, तो टोटल 2500 आपको कैश में ऐड करना है। नेक्स्ट सम पर आते हैं बच्चों, अब ये छोटे छोटे सम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो समझाया है इसी से रिलेटेड ही है। इलस्ट्रेशन 6, तीन ही ट्रांजेक्शन है इसमें, जर्नल है हरी एंड कंपनी का, डेट है 2017 अप्रैल 1st, ठीक है, एक अप्रैल 1st को है, एक अप्रैल 2nd को है और एक अप्रैल 6th को है। हम किसका जर्नल बना रहे हैं, हरी एंड कंपनी का। गुड्स परचेज किया है विनोद से, लिस्ट प्राइस है 40,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमने गुड्स परचेज किया है विनोद से, तो सबसे पहले हम परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चों,
कोई भी हेड आप डेबिट क्रेडिट लिख रहे हैं, इमीडिएटली आपके माइंड में रूल जरूर आए, रियल परचेजेस डेबिट हो रही है नॉमिनल के रूल से, डेबिट और एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर गुड्स का जो लिस्ट प्राइस था 40,000 वो यहाँ नहीं लिखना, इसको आप नरेशन में या नीचे वर्किंग नोट्स होते हैं, कोई भी कैलकुलेशन दिखानी है अकाउंट्स में तो वर्किंग नोट्स में दिखाई जाएगी। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस, फॉर्मूला लिखेंगे आप। लिस्ट प्राइस था 40,000, ट्रेड डिस्काउंट है 40,000 पर 10% कैलकुलेट करेंगे 4,000, ठीक है, तो 36,000 पर जर्नल में रिकॉर्डिंग होगी। अब ना ये कहीं आएगा और ना ही ये, ट्रेड डिस्काउंट तो अभी बताया था ना, रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो आपने गुड्स कितना परचेज किया है 36,000 का, किससे, विनोद से, ठीक है, कोई कैश नहीं दिया इसलिए हमारे सप्लायर का क्रेडिटर का नाम आएगा, हमने इसको पेमेंट करनी है, इट इज अवर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब जो अगली जो बता रही हूँ वो बहुत ध्यान से समझिए, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1,000। हमने अभी अभी विनोद से गुड्स परचेज किया था लिस्ट प्राइस 40,000 का, इसमें से 1,000 के लिस्ट प्राइस का गुड्स हमने उसको वापस कर दिया, हमें पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव होगा। तो एक बात अब जो बोली जा रही है प्लीज़ उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करें, जब परचेज के टाइम पर ट्रेड डिस्काउंट होता है या मिलता है तो उसकी रिटर्न पे भी ऑटोमेटिकली मिलेगा, ऐसे ही सेल के टाइम पर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था तो उसकी रिटर्न पे भी ट्रेड डिस्काउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट करना ही करना है, ठीक है, वो बार बार आपको बताएंगे नहीं, आपको ही अपने आप करना है। तो यहाँ पर हमने गुड्स परचेज किया था विनोद से 36,000 का, अब हम उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हम कहेंगे विनोद हमारा क्रेडिटर नहीं रह गया, और परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होगी, इसका रिवर्स है, माल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1,000 का जो आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस, 1,000 का 10% 100 यानी 900 का माल लौटाया गया। अगर आपने यहाँ पर 1,000 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया ये एंट्री तो आप इनवॉइस प्राइस पर कर रहे हैं और ये एंट्री लिस्ट प्राइस पर, लिस्ट प्राइस पर जर्नल में एंट्री करनी नहीं है, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होगा, परचेज है तो उसकी रिटर्न में भी, ऐसे ही सेल है तो उसकी रिटर्न में भी ऑटोमेटिकली डिडक्ट करना ही करना है। और ये कैसे निकाला आपने प्लीज इसको शो भी करना है, इसी से रिलेटेड है क्योंकि तीनों ये इंटरलिंक्ड है ट्रांजेक्शन, अप्रैल 1st, अप्रैल 2nd और अप्रैल 6th, पहले हमने गुड्स परचेज किया, अब हमने विनोद को गुड्स रिटर्न कर दिया, अब अप्रैल 6 को हम विनोद को कैश पे करने जा रहे हैं 34,000, फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है तो बच्चों प्लीज अंडरलाइन कर लेना, डिस्काउंट हिडन हो सकता है यहाँ पर तो हम चेक करेंगे। हमने 36,000 का गुड्स परचेज किया विनोद से, इसको आप वर्किंग नोट में दिखाएंगे, वर्किंग नोट में नीचे अलग से कि कैसे निकाला। 900 का हमने उसको गुड्स वापिस ही कर दिया, तो कोई पूछे कि हमने विनोद नाम के क्रेडिटर को पैसे देने कितने हैं, तो हम कहेंगे 35,100 देने, जो गुड्स हम वापस कर देते हैं हम उसके पैसे क्यों देंगे अपने सप्लायर को, तो हमने पेमेंट करनी थी 35,100, इन दोनों का डिफरेंस करना है, यानी विनोद हमारा क्रेडिटर था इतने से, तो जितने से विनोद क्रेडिट द क्रेडिटर है उतने से ही डेबिट द रिसीवर बनाना पड़ेगा, तभी उसके अकाउंट का नो बैलेंस होगा, ठीक है। अब हम कहेंगे विनोद हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, हमने फुल एंड फाइनल सारी पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी तो हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश की फॉर्म में पेमेंट करी है, कैश लेकिन एक्चुअल में दिया है कम 34,000 और विनोद मान गया है, तो इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस आएगा 1,100 वो तो हमें नहीं देना पड़ा, ठीक है, तो वो हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। जब कैश किसी को पे करते हैं तो डिस्काउंट हमें रिसीव होता है, डिस्काउंट जो है कैश के पीछे चलता है, ठीक है, सब पे अलग अलग रूल है, ये पर्सनल के रूल से डेबिट द रिसीवर और यू कैन से कि विनोद क्रेडिटर नहीं रह गया, ये रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट पर गोज आउट और डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल के रूल से हमारी इनकम है। ऐसी बच्चों 7 भी सेम ऐसा ही सम है, ठीक है। तो आज आपका जो होमवर्क है वो 4, 5, 6, 7, 8 बिल्कुल इसी टॉपिक पर ही बेस्ड है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, फिर भी किसी को डाउट हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। इनकी इलस्ट्रेशन को कॉपी में नहीं करना, आपको सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कॉपी में प्रॉपरली फॉर्मेट बनाकर इसको सॉल्व करना। थैंक यू।